that we're breaking free speaking my so honestly asalaamu As alaikum everybody this is your host irfan essen with a brand new episode of tete tete with irfan essen and today we have a very special guest and a theme that's very close to my heart it's about horses औरंगजेब इज लाइक छोटा भाई टू मी ही फॉलोड हिज ट्रू कॉलिंग और लाइक मी मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा उसने अपनी वेरी वेल प्लेस जॉब इन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के ही परसूड हिज पैशन एंड ही वेंट टू यू एस टू परसू अ करियर इन एक साइंसेज हार्डली पाकिस्तान में किसी ने किया होगा एंड ही इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आशी फेडरेशन और इट्स प्रेयर टू हैव यू हेयर औरंगजेब

भाजन ये दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी और मैं कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में हम इसको समराइज करके मैं आपको आपको ये सारी स्टोरी सुनाऊँ uh, लोगों की क्लरिफिकेशन के लिए लोग समझते हैं कि टेंट पैकिंग और नेज़ाबाज़ी एक ही चीज़ है दैट इज द ट्रेडिशनल स्पोर्ट जो हमारे रीजन से ही ओरिजिनेट करती है टेंट पैकिंग जो है ये बेसिकली uh, यहाँ से इन्होंने उठाई निज़ाबाजी इंग्लैंड से और यूरोपियन कंट्रीज से इन्होंने उठाए स्किल स्किल्स एट आर्म्स जिसमें तलवारें होती हैं और सारा उन दोनों को इन्होंने मिक्सअप करके तो इन्होंने टेंट पैकिंग बना दी और वो पाकिस्तान से निकल गई चली गई अरबियों के हाथ में सो ओमानीज बेसिकली गवान द स्पोर्ट ऑफ टेंट पैंग वर्ल्ड ओवर तो ये चीज़ काफ़ी तकलीफ देती मेरे लिए और फिर मैंने ये कोशिश की कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि इसको हम दोबारा इसके औरजिनेटिंग औरिजने, कंट्री में एज निज़ाबाजी ही शुरू करें आ, मैं क्योंकि मैं प्रोफेशनल हॉर्स आर्चर हूँ वर्ल्ड रैंकिंग में भी आता हूँ इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में भी जाता हूँ आप यकीन करें कि हॉर्स बैक आर्चरी जो है ये मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ की लोकल ज़ुबान में इसका नाम लिया जाता है अच्छा जी अभी जिस तरह मैं काज़िकस्तान था वर्ल्ड नोमैट गेम्स में वहाँ पे पूरी दुनिया से 120 सौ बीस ए हुए थे और काजकिस्तान में, अच्छा, लोकल लोकल हाँ में काजिकस्तान में है और वहां पर घोरों वाला नाम है ठीक है आप चले जाएंगे वहां पर इसका कोई और नाम है आप तुर्कमेस्तान जाएंगे वहां पर इसका कोई और नाम है बट लोकल नाम है तो क्यों हमने नेजाबाजी को टेंग में कन्वर्ट करके अपने ही मुल्क से उसको अरबियों के हाथ में दे दिया तो एक बड़ी तकलीफ दह चीज थी बट इसका बैकग्राउंड जो है वो ऑबियसली uh, हम घोड़ों के दरमियान पले बड़े यू you नो know, सुबह जूनियर स्कूल की असम्बली घोड़ों के टापों की आवाज़ ठीक है तो वो बचपन से कानों में गूंजती रही बड़े हुए आ, नौकरी कर ली लेकिन वो जो घोड़े घोड़ा जो था ना घोड़ा वो जहन से निकलता नहीं था वो इट वॉज सो इनग्रेव्ड इन द ब्रेन हाँ जी तो वो निकलता नहीं था तो वो मैंने नौकरी की पढ़ाई करने गया बाहर वापस आया नौकरी कर ली पढ़ाई करने के बाद लेकिन दिल जो था ना वो मानता नहीं था कि यार नहीं ये दिस इज नॉट द थिंग दैट आई वांट टू डू आई वांट टू डू समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट तो घोड़ों में मुझे करियर बनाना था तो मैंने फिर आज से कुछ छः सात साल पहले अपनी सरकार की नौकरी को खैर खैरबाद कहा द ऑफ द द पॉपुलेशन इन गवर्नमेंट सर्विस जो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ के चले जाते हैं

प्लान यही करके गया था कि मैंने फार्मिंग ही करनी है रैंचिंग ही करनी है मैंने घोड़े रखने हैं, मैंने गाय है तो हुआ ये मैनेज टू परचेज स्मॉल चंक ऑफ लैंड घर था उसके ऊपर और इट वाज एनअ कि मैं उसके ऊपर सात आठ घोड़े रख लेता कुछ दस बारह फार्म हैंड्स अलमदिल्ला काम सिलसिला सही चल रहा है तो जब मैं कैनेडा वापस गया ना तो हुआ ये कि मैंने जमीन तो ले ली फिर मैंने कहा कि यार घोड़ों के साथ मैं प्रोफेशनली इतने सालों से वाबस्ता हूँ लेकिन मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है नहीं। मैं ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ तो मैंने ना प्रोग्राम्स देखे यूनिवर्सिटी के तो वहाँ पर आया एक बायोसिस्टम्स तो हुआ ये कि मैंने अप्लाई कर दिया तो प्रोग्राम शुरू हो गया जी सेप्टेम्बर में आई वेंट ट यू एस यूनिवर्सिटी स्टार्ट की एक टर्म की तो हमारे चार थोरेटिकल कोर्सेज थे और बाकी सारा प्रैक्टिकल था मेरा एक्सपीरियंस 20-22 साल का प्रोफेशनली घोड़ों के साथ तो मेरे लिए ना वो डिजिटेशन जो था वो इट वॉज जस्ट लाइक राइटिंग एन एस वो मैंने लिखा द सुपरवाइजर लव एंड इट जस्ट गॉट अप्रूव नो टाइम एंड आई वॉज आफ्टर इंडिग्रीज साइंस एंड बायोसि तो उसके बाद फिर मैंने घर आके प्रोफेशनली आई स्टार्टड परचेजिंग हॉर्स नेज़ाबाजी अब मैंने वहाँ पर भी शुरू की हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली उसके बगैर तो हमारा ना सांस निकलता है ना वो खून चलता है ना दिल धड़कता है तो वो नेजाबाजी कर रहा था तो नेज़ाबाजी करते करते ही हॉर्स बैग आचरी भी शुरू की उसकी भी स्टोरी फिर मैं बाद में सुनाता हूँ नेज़ाबाजी करते करते मुझे ना रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान में हमारी जो ट्रेडिशनल नेजाबाजी है वो कन्फाइंड हो गई है विद इन पंजाब कुछ भी, भी नहीं नजर आता ठीक है जी सिबी मेला होता है वहाँ पे एक छोटे से मतलब चार पांच छह सवार जाते हैं जो चीज थी ना इट हेट मी सो हार्ड कि मैंने सोचा कि यार क्यों ना कनेडियंस को ये चीज शोकेस की जाए तो सबसे पहले जो मैंने काम किया मैंने निजामी फेडरेशन ऑफ कैनेडा रजिस्टर की अच्छा जी और उसके बाद मैंने लोगों को ढूंढा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 40 50 लोग ऐसे मिल गए जो मंडी बाउद्दीन गुजरात जो हमारा जो गढ़ है नेज़ाबाज़ी का वहाँ से बिलोंग करते थे 18 20 उनमें राइडर्स थे सवार थे सो वी गॉट टुगेदर आई बिल्ट टीम अकेला बंदा ही काम नहीं कर सकता ठीक है, है तो आई बिल्ट टीम और हमने कनाडा uh, की हिस्ट्री में पहली दफा पहलीप्टेम्बर सितंबर 2024 को एक बहुत आउटस्टैंडिंग मेला किया जिसमें तकरीबन साढ़े पांच छे सौ लोगों का टर्न आउट था जिसमें इंडियन पंजाब से इंडियन पंजाब से, से भी लोग आए थे जी उनको न्यांग सिक्स बोलते हैं तो वारियर सिक्स जो नीले कपड़े पहनते हैं वो आए थे उनकी टीम भी दौड़ी थी मजे की बात यह कि जब जहाँ पे हमने घोड़े रेंट किए हुए थे जिस पोलो फील्ड में उस पोलो फील्ड का जो ओनर है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो उसने जब स्पोर्ट देखी ना तो उसने कहा कि यार मेरे पास भी चार पांच बड़े पैंस किस्म के पोलो प्लेयर्स हैं वो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं

पाकिस्तान में भी एक टीम बिल्ड हुई थी आ, और हम बेसिकली हम काम कर रहे थे रिवाइवल ऑफ निज़ाबाजी एंड रिवाइवल ऑफ़ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हॉर्स स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान जिसमें ये हमारी हॉर्सबैक मै भी है ठीक है तो वो हमने दोनों चीज़ों को क्योंकि कंबाइन करना था तो और हॉर्सबैक आश्री पाकिस्तान में थी नहीं

मेरी जेब सेव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान खर्चे पर मैं एक अपने साथ दफाज फर्स्ट टाइम वर्ल्ड नोम यहाँ पे तीन हज़ार एथलीट पूरी दुनिया से आते हैं इन अबाउट आई थिंक अबाउट फोर्टी और फिफ्टी डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स उसमें एक सौ बीस हॉर्स बैक आर्चर्स पूरी दुनिया से आई थिंक फ्राम नाइन्टी कंट्रीज और uh, हम हमारी पहली एंट्री थी मैं अपने साथ में अपना टीम मेट लेके गया था आई है सो आई स्पेंट मनी फ्रॉम माय ओन पॉकेट टिल टुडे एंड आई एम स्टिल वेटिंग कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो हमें अफिलेट कर ले अपने साथ ताकि हमें साल के थोड़े बहुत पैसे वहाँ से <laughs> मिलना शुरू हो जाए लेकिन अभी तक जो भी पैसा है वो मैं यहाँ मैंने अपनी जेब से लगाया है या हमने एज अ टीम जनरेट किया है दो फेडरेशन एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में एक विच इज़ गवर्न बाय पंजाब रेंजर्स इक्वेस्टन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स ठीक है जी बट uh, हमारे फौजी भाई जो है ना देव दैट मच टाइम टू पुट इन टू देशन सो जो प्रेजिडेंट और सेक्रेटरी जनरल हैं वो सिविलियंस होते हैं वहां पे ठीक okay. है सो एवरी थी गेम इज बेसिकली रन बाई दीचे से जो भी वो सजेस्ट करते हैं वो ऊपर तक जाता है और वहाँ से फिर वो अप्रूवल्स होती हैं सच जो ऊपर वाला है ना सिलसिला मतलब जो बिगड़े साहब काम करते हैं उस वाइस चेयरमैन ऑफ दफ पी वहाँ तक तो जो भी वहाँ से जो भी सिलसिले होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं द प्रॉब्लम लाइज नीचे जहाँ पे प्रेजिडेंट साहब हैं या जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं द इशू लाइज ओवर देयर बिकॉज वो ही हैं जो प्लान बनाते हैं और उस प्लान को कराते हैं ऊपर भेजते हैं ताकि उसके ऊपर यू नो अथॉरिटी सिग्नेचर करें और फिर उसकी इनैक्टमेंट हो दैट इज़ वे द प्रॉब्लम लाइज और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए uh, अली फवाद जो uh, हमारी फेडरेशन uh, के डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन हैं Uh, उन्होंने को दो ढाई साल पहले ई uh, से रबता किया कि जी आप अपना सिस्टम जो है ना उसको बड़ा एक स्ट्रक्चर दें और वो बड़े स्ट्रक्चर के इंटरनेशनल जज हैं वो मही ट्रैवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और वो ए खर, के खर्चे पे ट्रैवल कर वेरी हाई प्रोफाइल ठीक है जी हाँ जी इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड आई एम लकी टू हैव एम एज एज अ टीम इन द फेडरेशन तो उन्होंने दो साल पहले EFP को कहा जब आई सी एफ पी तो इट्स द प्रेजिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल तो उन्होंने उनसे कहा जी आप बनाएं हर स्पोर्ट की एक बाकायदा कमेटी हो उस कमेटी की सब कमेटीज हों यू नो शिकायतों वाली एक हो हर आर की हो ठीक है ना पूरी पा, पाकिस्तान से आपको एक रैंकिंग का निज़ाम लेके आए बट इट यू नो इटेंट हेल्पेंट वॉन टू दिस तो है और बड़ा मुश्किल है एस सी सी पी में आज भी एप्प्केशन पड़े हुए हैं अनप्रोसे मेरे वाले साहब जो हैं ही कवर द पोलिटिकल साइड एंड आई कवर द ब्यूरोसीवन और हमने पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन को रजिस्टर कराया एंड वी आर दस्ट एंड ओनली स्पोर्ट्स डेवेलप दिस इज एक्ट अट इन दिस्ट्री ऑफ

इंस्टेड ऑफ के जी आप दो महीने पहले एक नोटिस इशू करें कि जी ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के पाकिस्तान से जितने सवार हैं और जो रजिस्टर्ड हैं फेडरेशन के साथ वो आएँ और वो आके ट्रायल्स में हिस्सा लें और वहाँ से पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करेंगे सर दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू पाकिस्तान में दस हज़ार सवार है mm -hmm. छः हज़ार रजिस्टर्ड सवार है जो पचास आपके पास आ गए नोटिस देख के वो तो चलें ठीक है तो जो बाकी के पाँच हज़ार नौ सौ पचास सवार हैं उनकी क्या गलती है जो सारा सारा साल मेहनत करते हैं तो रैंकिंग सिस्टम एक डेवलप करना था mm -hmm. हमने सबसे पहले तो कमेटीज़ तश्कील दी हमने निज़ाबाजी की कमेटी बनाई हमने माउंटेड आर्चरी की कमेटी बनाई हमने इक्वाइन एजुकेशन की कमेटी बनाई और हमने माउंटेड स्पोर्ट्स की बड़े स्ट्रक्चर अ वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर चार कमेटीज़ हैं हर कमेटी के अंदर बाकायदा मेंबर्स हैं हर कमेटी का जो चेयरमैन कॉल हिम द डायरेक्टर so we have four directors who actually are the chairman of those committees. सबसे बड़ी कमेटी हमारी नेज़ाबाजी की कमेटी है जिसमें we have the most superior organizers and athletes of मेजाबाजी in Pakistan. उनको पैंतीस छत्तीस लोग हैं बहुत बहुत honorable players हैं हमारे बहुत बहुत honorable organizers हैं हमारे ये ऐसे लोग हैं भाईजान जो आज से पहले तक पचास लाख साठ लाख सत्तर लाख ऐसे ही फेंकते थे कि मेला हो जाए अच्छा बट उस मेले की आउटपुट कोई नहीं थी आप समझ रहे हैं तो so हमने क्या किया कि हमने उन पैंतीस छत्तीस लोगों को लिया हर डिस्ट्रिक्ट से हमने एक एक बंदा फाइनलाइज किया और वो अपने डिस्ट्रिक्ट का यू नो हज वन ऑफ द मोस्ट मोतबर काम कनाडा बैठ के कर डीम डेट आई हैड हियर मैं अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे का नाम लूंगा आपके सामने ठीक है हु हु हैज एक्चुअली इज़ द पिवट उसके इर्द गिर्द अब हम घूमते हैं आई वन ऑफ द फाउंडर्स बट मैं अब उनके इर्द गिर्द घूमता हूँ अजीम इंसान अभी मैं नाम लेता हूँ उनका तो हमने स्ट्रक्चर इस तरह बनाया कि हम हर पंजाब में तकरीबन चालीस अजल हैं हर ज़िले में हम एक निज़ाबाजी का कॉम्पटिशन देंगे और वहाँ से जो टॉप थ्री प्लेयर्स होंगे बाकायदा एक निज़ाम के तहत एक सिस्टम के तहत एक रूल बुक हमने डेवलप की है जिस रूल जिन रूल्स के तहत वो इवेंट्स हुआ करेंगे उसमें मार्किंग की मार्किंग स्कीम्स क्या होंगी उसमें क्राइटेरिया क्या होंगे so, uh, in, in, अब उसमें यह हुआ कि हमने जब 40 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कॉम्पिटिशन करवा दिए तो हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट से तीन तीन बंदे आगे जो टॉप के थ्री थे रैंक प्लेयर्स गए उन रैंक प्लेयर्स कॉम्पिटिशन एक पंजाब लेवल के ऊपर होगा 120 प्लेयर्स हो गए 120 प्लेयर्स में से हमने निकाल दियाफ्टी अब हर बंदे को खेलने का मौका मिला अपने डिस्ट्रिक्ट में वो ये नहीं कह सकता जी कि मैं नहीं खेल पाया या मैं नहीं आया या मुझे नहीं पता लगा कंपटीशन हुआ वहां से तीन बंदे आए 120 टॉप पे आए उनका पंजाब लेवल के ऊपर इवेंट करवाया उसमें से जो 50 निकलते हैं उनको हम नेशनल कंपटीशन में ले जाएंगे ओके और वहां पे हम नेशनल ओपन करवाएंगे जहाँ पे 50 बंदे होंगे और उसमें से हम फिर पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करेंगे पांच बंदों की चार एक्टिव प्लेयर्स और एक रिजर्व

the canadian nizabazi federation, the pakistan horse and mounted archery federation. Mm -hmm. now we have the world nizabazi federation. world nizabazi. <laughs> <laughs> and who runs that? <laughs> so you know, but not me. when i say me, again, we are a team of people. Uh -huh. sir hamari approach is nationalism by teamwork. okay. There so is are no buying the idea of nizabazi as opposed to tent pegging. it's bilkulji.

तो वर्ल्ड एजाबाजी रजिस्टर तो हो गई इट वॉज रजिस्टर्ड इन कैनेडा ठीक है जी लेकिन अब क्या था पाकिस्तान था कैनेडा था हमें और मुल्क चाहिए थे तो हमने क्या किया हमने ये किया कि हमारे पास जो टीम कैनेडा में बैठी हुई थी जो टीम पाकिस्तान में बैठी हुई थी अब मैं उस एक बंदे का नाम लेने लगा लगाऊँ जिनकी वजह से ये सारी चीज़ पॉसिबल हुई ठीक है जी वह हैं सरदारजादा हुसैन अब्बास सैयद चमन अब्बास वाले अच्छा सर हमारे मतलब मेरे सीनियर हैं और आपके आसपास के होंगे ठीक है तो देिए गो तो उनको मैंने जब ये आइडिया पिच किया तो उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब तूने मुझे कह दिया मैं तुझे ना नहीं कर सकता बिकॉज एक द आइडिया इज सो स्ट्रांग एंड सो कंपेलिंग एंड टू द योर्स लाइक अ यंगर ब्रदर छोटा भाई है तू तेरी बात में रद्द नहीं कर सकता आई और कॉज भी नोबल है नहीं? आप नोबल कौस कौस है। आप exactly. अपने अपने मुल्क को को भी भी प्रमोट प्रमोट कर कर रहे रहे हैं हैं कल्चर तो फिर यह हुआ जी कि हमने ऐसा किया कि हमने दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और जहाँ पे घोड़ों की एक्सेस आसान है हमने उनसे रबते शुरू कर दिए तो हम शुरू हुए अमरीका से उसके बाद हम आए इंग्लैंड इंग्लैंड बोले तो यूके आयरलैंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड उधर से हम नीचे की तरफ आए तो हम फ्रांस आ गए फ्रांस के ऊपर हम चले गए तो डेनमार्क चले गए नॉर्वे चले गए स्वीडन चले गए बेल्जियम आ गए फ्रांस सॉरी जर्मनी आ गए नीचे हम फर्दर नीचे आए तो हमारे पास यू आ गया ठीक है तो हमने तो से 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 स्टेट्स के बारे में ना, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है हमने पाकिस्तानियों ने इसको शुरू किया था तो हमने पहले पाकिस्तानी टीम बिल्ड करनी थी ठीक है तो वो हमने जब रबते शुरू किए तो लोगों को ना एक दफा तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया बट जब हमने उनसे बातचीत शुरू की तफसील में गए तो उन्होंने कहा यार ये या आइडिया बड़ा जबरदस्त है लेकिन हमें मदद कौन करेगा हमारे रिस्पेक्टिव कंट्रीज में फेडरेशन रजिस्टर कराने के लिए मैंने कहा जी वो भी हम बैठे हैं आपके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे सो वी डेड ऑल दैट वर्ल्ड सिटिंग इन कैनेडा आई वॉज इन कैनेडा माई टीम were in इन पाकिस्तान देर वॉज team sitting टीम सिटिंग विद मी इन कैनेडा उसमें भी मैं दो लोगों के नाम बड़े क्लियरली लेना चाहता हूँ जी एक अशरफ हयात खुंदल साहब हैं मंडी बाहूदीन के और एक राना मुमताज़ भाई हैं सरगोदा के ठीक है जी ये तीन बंदे हम वहाँ पर बैठे हुए थे हमारे प्रेजिडेंट वहाँ पर अनार वाइज साहब हैं और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं इफ्तार बंदेशा साहब सो वी आर अगेन अ वेरी स्ट्रॉग टीम इन कैनेडा वहाँ पे पाकिस्तान में फिर हुसैन भाई अलीफाद एंड अगेन आई वॉज देयर तो मैं उधर भी था इधर भी था हमने पूरे रबे शुरू किए वी स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल के जी अब आपने इस तरह करना है आपने इस तरह करना है इस तरह फेडरेशन रजिस्टर करवाएं एंड अनलाइक पाकिस्तान हर मुल्क में विद इन अ वीक काम हो जाता है ठीक है सारी फेडरेशन रजिस्टर हो गई सारी टीम सेट हो गई अलहमदिल्ला इस वक्त वी हैव थर्टीन कंट्रीज ऑन बोर्ड विद द वर्ल्ड दिजाबाजी फेडरेशन जी हाँ और इंग्लैंड में हमने इसका एक इनागरल इवेंट किया था आज से डेढ़ महीना पहले जहाँ पे आठ कंट्रीज से पाकिस्तानीज विध रिस्पेक्टिव कंट्री फ्लैग्स पार्टिसिपेट उन्होंने किया था पाकिस्तान के बाहर इस वक्त सबसे ज्यादा जो घोड़े हैं पाकिस्तानियों ने रखे हुए वो इंग्लैंड में रखे हुए हैं और दियर आई थिंक अबाउट हंड्रेड एंड सिक्सटी हॉर्सेज एंड देर अबाउट हंड्रेड एंड ट्वेंटी राइडर्स राइडर्स से ज्यादा घोड़े हैं वहाँ पे ठीक है ना तो वो हॉर्स कंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है घोड़े <clears throat> अब हमारा एक फ्रांस में कॉम्पिटिशन हो रहा है फेबरी में वन इन दुबई ठीक है तो You're you know places it's amazing ki ek bande ka idea aur wo kaise propagate hota hai haan ji acha Hasn't us pe thank you so much ji but again i i always keep repeating ki ke idea to mera tha hmm. lekin it's it's a team it's, it has since day one it's been a team work hmm. but uh, it's yeah. kind of sad ki government ki support nahi hai bilkul bhi nahi hai and jay. you guys are doing so much at such a huge level

बिकॉज एक ऐसे लोग जो जागीरों के मालिक हैं जो दो दो साल से ख़ानदानी तौर पर घोड़े रखे हुए हैं जिन्होंने निज़ाबाजी कर रहे हैं एक निज़ाम पर चल रहे हैं उनको एक निज़ाम से उठा के एक नए निज़ाम की तरफ ले कर आना वॉज इन ईजी नो बिल्कुल इसमें yeah. फ्यूचर प्लान उसमें अब ऐसे हैं कि अब मैं क्योंकि so हाँ, तो हाँ तो <laughs> के साथ भी खेलता हूँ और मैं पाकिस्तान को भी अगेन तो, ये भी एक नई स्टोरी है, <laughs> हाँ, है कभी... हाँ जी, कभी सुना नहीं है ना हाँ. हाँ, ऐसे है कि हमारी इंटरनेशनल दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हॉर्स बैक आचरी एक है जी इंटरनेशनल हॉर्स आर्चरी अलायस विच इज़ एक्चुअली ऑपरेट गवर्न एंड ऑपरेटेड बाई द यूरोपियंस और एक है वर्ल्ड हॉर्स आर्चरी फेडरेशन विच इज़ ऑपरेटेड बाई कोरियंस तो Koreans? जी जी देखें सर अगर नेजाबाजी को अरबी उठा के और मान में ले हाँ। जाकर उसको टेंट पैकिंग कर सकते हैं तो कोरियंस फिर हॉर्स बैक आर्चरी भी कर सकते हैं बिल्कुल सर ठीक है तो जो वैफ है वर्ल्ड हॉर्स बैक आर्चरी फेडरेशन जब वहाँ पर कॉम्पिटिशन होते हैं तो मैं कैनेडा से खेलता हूँ और जब इंटरनेशनल हॉर्सबैक आची अलायंस के कॉम्पिटिशन या चैंपियनशिप होती हैं तो मैं पाकिस्तान से खेलता अच्छा जी लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बताऊ वो हमारी थोड़ी सी गुफ्तु डाइवर्ट हो गई थी uh, अलमिया क्या है जिन लोगों को भी ये बात पता लगी दे सुपर प्राउड ऑफ अस एज ए टीम ऑफ वट वे अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली अनसपोर्टिव मेरी एन आर बी वेरी ओपन अबाउट दिस जी मुझे डर नहीं है किसी का भी आ, क्योंकि मैं अपना पैसा लगा के ये गेम कर रहा हूँ जी मैं अपना पैसा लगा के अपने मुल्क को मुल्क मुल्कों मुल्कों, मुल्कों लेके जा रहा हूँ मुझे हुकूमत ना पैसे देती है ना मैंने हुकूमत से पैसे मांगे हाँ, अगर way मैंने way. मांगे थे तो मुझे रिफ्यूजल हो गया था मैंने कहा जी ठीक है तो आई वॉज़ इन द पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट अ फ्यू डेज अगो मीटिंग अ वेरी हाई आप ठीक है जी और आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे पता क्या कहा मुझे कहा जो ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाले हैं ना अभी हमने इनके पीछे जाना है कि ये कैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं हमारी अप्रूवल के बगैर ओह गॉड दिस केम टू मी एज अ पंच इन इन द फेस सिटिंग राइट हिज ऑफिस और मेरा दिल किया कि बस अब मैं क्या करूं जो मेरा दिल किया मैं यहाँ पे कह नहीं सकता यानी कि कोई अच्छा काम कर रहा है अपने इनिशियटिव के ऊपर अपने फाइनेंस के ऊपर और जेबें नहीं भरती हैं आई बी वेरी वोकल ठीक है दिस इज द डायलामा ऑफ आर कंट्री एंड एंड द रीजन दैट वी आर गोइंग टू वर्ड अ डाउनफॉल कि जो आपकी तरह के मेरी तरह के बंदे वो आर पैशनेट अबाउट समथिंग वो आर स्पेंडिंग मनी गोइंग प्लेसेस ठीक है जी उनसे हमारे नीचे को खेचा उनको नीचे की तरफ खींचा जाता है सर आपको पता है इस दफा वर्ल्ड नोमैट गेम वर्ल्ड नोमैट गेम्स ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है देअर बेसिकली लाइक ओलंपिक्स हजार एथलीट्स फ्रॉम ओवर हंड्रेड कंट्रीज हाँ जी ठीक है ना पाकिस्तान पहली दफा एक कंटिजेंट के साथ गया था जी तकरीबन थर्टी प्लस हमारे एथलीट थर्टी प्लस सर आप देखें कि हम और एक एक बंदा सेल्फ हेल्प बेसिस पे गया था उसने खुद अपने पैसे जनरेट किए थे अर्षा के नाय वो द मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल एजुकेशन वाइज मोस्टली हम जिस तरह भी मैक्सिमम हमारी एजुकेशन थी ठीक है पढ़े लिखे हम दो ही थे बाकी जो थे गांव से लोग आए हुए थे लड़के हमारे पता नहीं किस तरह किस तरह उन्होंने मेहनत की देवर देवर बेसिकली अशद नदीम्स जी अच्छा देवर अर्शद नदीम्स ठीक है जी उन्होंने पता नहीं किसी ने कहा से पैसे लिए किसी ने कहा से पैसे लिए सिर्फ इसलिए कि जी हमने जाना है और हमने कंपीट करना है और हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है सर वी गॉट मेडल्स और उसका कहीं पे भी नहीं डॉन न्यूज के एक जर्नलिस्ट वहां पे थे उन्होंने हमें देखा शर्ट्स पहने हुए तो उन्होंने हमें पीछे से आवाज दी पाकिस्तान यू नो टर्न अराउंड ही केम अप टू अस एंड ही वाज एज सरप्राइज एज एनी जिस तरह आप हैं उन्होंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं तो इनको वैसे ही कवर करने आया था I mean, this, देखो तो दे, कितना बड़ा देखें वेरी अनफॉर्चुनेट वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जब उनको हमने तफसी बताई उस दिन से लेके दिस प्रॉबलीफ दिन डेज उस दिन से लेके आखिरी दिन तक दैट जेंटलमैन वास्ट All the teams play. That's amazing. Now he's doing an article. So I think in a couple he'll be in National. So it's going to be huge. Okay. So I have a question you. You were talking about organising events on How are you going to get so much funds? you ground rent. Karna hai. Need, there needs to be marketing. There needs to be prize money. How are you managing all this? It's so, just, uh, देखिए हमने ना जो हमारे निज़ाबाज हैं जो एथलीट्स हैं उनको हमने एक चीज़ प्रॉमिस की है, कि फेडरेशन आपको साल के दो इवेंट्स देगी एक होगा ईयर के सीज़न के स्टार्ट में एक होगा सीजन के एंड में उसके लिए ज़रूरी है कि आप रजिस्टर्ड हों फेडरेशन के साथ तो सर उसमें ऐसे है कि इनिशियली वे आर आइंग अबाउट थ्री थाउजेंड रजिस्ट्रेशन ओके तो पांच हजार के रुपए के हिसाब से डेढ़ करोड़ रुपया हमारा वहां पे जनरेट हो जाता है ओके okay. तो वो हमारी एक वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगा अब ये है कि ये जो पैंतीस से चालीस लोग हमारे साथ अटैच हुए हैं ये वो लोग हैं भाईजन जो हर साल दो दो तीन तीन मेले करवाते हैं इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है साफ है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ठीक है दे विल टू डू समथिंग फॉर स्पोर्ट ठीक है जी तो जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पड़े हुए हैं आपने क्या करना है आपने सिर्फ बेयर मिनिमम एक्सपेंस करना है और आपका इवेंट हो जाएगा बिल्कुल ये बात है अब होता क्या है कि आपके पास स्पॉन्सर तब आता है जब आप उसको एक लोकेशन देते हैं एक आइडिया पिच करते हैं आप उनको कहते हैं जी कि आप जो दिल करता है आपका आप कर सकते हैं क्या रीजन है कि जब इक्वेस्टन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर में इवेंट करवाती है तो वहां पर सिर्फ आपको फातमा फर्टिलाइजर नजर आता है यहाँ एक आधा कोई डेवलपर नजर आता है और लोग नजर नहीं आते क्योंकि फौज है एक डेकोरम है कुछ रूल्स हैं कुछ लॉज हैं जिनके तहत वहां पे वो ये अलाउ नहीं कर सकते बट हमारे पास ऐसा कोई मामला है नहीं डेमोक्रेटिकली रन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम सब एक पेज के ऊपर हैं सब प्राइवेट ग्राउंड्स हैं स्पॉन्सर्स को हम कहेंगे जी आप आए एंड डू वट एवर यूलो मैच पे जैसे फॉलो मैचेस होते हैं ठीक है जी डू वट एवर यू आपने जिस तरह की एडवर्टीजमेंट करनी है आप करें ठीक है सर पिंडों में जब पिंडों में या तहसीलों में जब इवेंट्स होते हैं ना इस तरह के ट्रेडिशनल इवेंट्स तो आपके पास लोकल चाय नाम ले सकता हूँ वाइटल चाय ठीक है जी कैप्सटन सिगरेट के टू अब नहीं आता लेकिन छोटे से ये वो चीजें हैं जिनका जिनकी टारगेट मार्केट ही इलाके इलाके हाँ, हैं तो ये बहुत खुशी से आते हैं यू you नो know, आप इनको फ्री हैंड दें यार आपने एडवर्टीजमेंट करनी है आप करें जो दिल करता है बिकॉज यू आर गिविंग अ स्पॉन्सरशिप मनी

और नाम ले लें हमारे घोड़ों के ठीक है we don't mind. We open for all, जो मर्जी है। अच्छा नेज़ाबाज़ी की तो ट्रेनिंग मिल जाती है What about ये वेटअप एनी ट्रेनिंग मेरी बेटी को बहुत शौक है वो राइडिंग करती है तो इफ़ यूड स्पोर्ट्स लाइक हार्ड लर्न दिस अच्छा उसमें ना भाई ऐसे है कि हमारे पास ना दो राइडिंग स्कूल इस वक्त हाल में मौजूद हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं एक चांदबाग स्कूल के अंदर हमारे पास ग्राउंड है जहाँ पे हमारा आर्ची का ट्रैक सेटअप हुआ, हुआ हुआ है एक हमारे पास मरीना सेटल क्लब है विलनशिया में जहाँ पे हमारे पास आ, एक ट्रैक सेट हुआ हुआ है बाय द वे एक तीसरा ट्रैक भी है बट वो इट्स वेरी नीच जैकी फार्माई वाला ठीक है वहाँ पर भी हम प्रैक्टिस करते हैं जफ़र भाई हेजबिन वेरी जनरलिस उनके दोनों बच्चे भी हम मतलब हमारा जो डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अर्शक वो उनको ट्रेन कर रहा है तो सो so बेसिकली हमारे पास तीन लोकेशंस अभी फिलहाल में हैं गुजरात में हम इनशा द नेक्स्ट मंथ एक फैसिलिटी ओपन करने लगे क्योंकि गुजरात में हमारे पास ट्वेंटी एथलीट्स बैठे हुए हैं अच्छा सर उन्होंने हमारी मेम्बरशिप भी ले ली है उन्होंने कहा जी आप हमारे पास ट्रैक बनाएं उसको अक्रेडिट करें हमें वर्कशॉप वगैरह की साइड पर ज्यादा होता है लेकिन लेकिन गुजरात में जी अच्छा हाँ जी और तो और वहीं से हमें सबसे ज़्यादा मेम्बरशिप्स भी आई हैं अभी हॉर्स बैग के लिए

क्लासेज तो थोड़ी सी होंगी बट जमीन उसके लिए बहुत चाहिए होगी तो फिर एंड इफ यू टू यू नो एंड डिवेलपेट सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स एक्सलेंस उसके लिए फिर आपको बहुत हाई एंड कोचेज भी चाहिए इंस्ट्रक्टर्स चाहिए ट्रेनर्स चाहिए वो सारा निज़ाम एक बनने वाला है और उस उसका जो बेस है वो हम पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर्स की कोर्सेज रन करेंगे जजेस के कोर्सेज रन करेंगे

तो दिल वेरी ग्रेट क्योंकि तो जी हमारी बेसिक ग्राउंड है ना हाँ। तो लड़का हमजा हमजा एक्चुअली आती है अच्छा। तो तो उसको हमने सिर्फ ट्रेडिशनल आर्चरी के ऊपर ट्रेन ट्रेनर वाला एक कोर्स चलाएंगे उसके लिए उसको हम ट्रेन कर देंगे और हम ग्राउंड आर्चरी से शुरू करेंगे जिसको हम मर्ज करेंगे मतलब दिस इज माय थिंकिंग अब एचन वाले जो भी कहें कि राइफल शूटिंग क्लब के साथ ही हम आर्चरी क्लब जो है उसको ज्वाइन कर देंगे मर्ज कर दें हाँ जी तो वही शूटिंग भी करवाएगा और वही आर्चरी भी करवाएगा और वहां से ग्राउंड आर्चरी से जब लड़के तैयार हो जाएंगे तो फिर हम उनको बिठा के उनको ले आएंगे राइडिंग की तरफ तो फिर वहां पे सारा सेटअप सेट करके पोलो ग्राउंड पे भी आपको ये और, करना चाहिए। और पोलो ग्राउंड पे जी इस्लामा पोलो क्लब ने तो हाथ मिला लिया हमारे साथ ऑलरेडी ठीक है हाँ जी राजा इसलान नजीब सो काइंड ऑफ एम उन्होंने हमें ऑफर दे दिया ये कि आप आए हमारे पास और यहां पे आप आप ये करें कल हैं जो मैनेजर ऑफ़ द क्लब क्लब ही वेरी भी मुझे कहा आप के घोड़े आपको यूज़ करने पे gate, you know, so, so there, हाँ जी. Uh, मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये हो जाता है कि जब मैं उनको मैं

So it, it, there's a massive gap, ah, late difference. Uber, and, late bloomer, late bloomer. You know, my photography is 34, starting at 39. There you go. There you so. go. So then, starting at 39, by now, you know, at the age of 43, I'm a ranked player amongst the best 120 in the world. So it's a huge achievement for me. So when I mention this, then they say, "Yeah, not bad." That it, there's value, there's weightage. So you know, why not? So any plans to move back to Pakistan sometime soon? Yeah. Well, yeah. it all depends. इट ऑल ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन हाउ इट अनफोल्ड्स इन द लॉन्ग रन अगर तो ऑर्गेनाइजेशन uh, को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तो फिर तो मैं आ जाऊँगा अदरवाइज़ वर्ल्ड एज़ाबाजी फेडरेशन का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि अभी मैं जब वर्ल्ड नोमैट गेम्स में था तो मैंने जॉर्डन ओमान कतर सीरिया मंगोलिया करगिस्तान काजकस्तान कोरिया बांग्लादेश इंडिया In सारे कंट्रीज के साथ बात की so her, हम ये काम करने लगे हैं ये सारों ने मुझे कहा कि यार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएंगे कैसे करनी है सो ना पहले हमारे पास ग्यारह कंट्रीज थे आई थिंक बाई फेबर इलेवन कंट्रीज ऑन बोर्ड कमाल का <laughs> <laughs> अच्छा, अब उसमें, हमारा जो नेटिव घोड़ा है वो तो देसी है अब देसी घोड़े को कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल काम हाँ। है यू नो सो पाकिस्तान में वी प्रेफर के हमारे पास हाफ ब्रेड हॉर्सेज ये पोलो वाले घोड़े जो होते हैं या थोरो हो, या हाफ ब्रेड होॉर्स बैग आची के जो ट्रैक्स होते हैं ना वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं डिफरेंट हाँ। लेंथ्स के होते हैं और घोड़ों की स्पीड जो है ना वो इट हैज टू विद टाइम एट हैजेटन स्पीड तो वो

ऑन द स्पॉट हाँ जी और यहाँ देर कॉम्बिनेशन ठीक है और सेंट्रल एशिया में उनकी अपनी ब्रीड्स हैं मतलब तकमस्तान तो चले जाएं आप तो वहाँ पे अखल टेक्स हैं मंगोलिया में मंगोलियंस हैं तो इस तो, से थोड़ा मुश्किल होगा यू नो इसको घोड़ों को ट्रेन करना घोड़ों की अवेलेबिलिटी ज्यादा देसी मिलते हैं हाँ अच्छा उसकी आपको एक और मैं मज़े की बात सुनाऊँ कि इस्लाम जब मैं था अभी कुछ दिन पहले तो मेरी एक एक और नवाब साहब से मुलाकात हुई Uh, or you know through through a friend he actually wanted me to meet him the gentleman owns about 3000 acres of uh, land which is all fenced and he has two hunting resorts over there hunting reserves he has 32 lakes on the property this? sir any time of the year for any event i want

और मजा आ रहा है जर्नी यू नो उसमें लोग आते जा रहे हैं मिलते जा रहे हैं yeah. और एक कोहेसिव uh, किस्म की स्ट्रेटजी डेवलप होगी एक स्ट्रक्चर आ गया है so, तो कीप अप द गुड वर्क और थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम थैंक यू फॉर हैविंग मी वाज अ प्लेजर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी